आगे का क्वेश्चन बनना है दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो पहला है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं वन वन फंक्शन, क्या कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं वन वन। अब क्या है वो कहता है, इंजेक्टिव फंक्शन ही कहता है एक्स वन एक्स टू अगर दो एलिमेंट है एक्स के, एक्स वन कॉमा एक्स टू दो एलिमेंट है एक्स के, और एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब क्या है रेंज में, मतलब रेंज में दोनों की वैल्यू, रेंज में दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल हो जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल, जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल, मतलब हर एक वैल्यू एक्स की, हर एक वैल्यू वाई से, मतलब हर एक इंडिपेंडेंट वैल्यू वाई से करेंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए एक सेट है, एक सेट ए है, सॉरी एक सेट अपने जो दिया कोई लेते हैं, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई, ये कनेक्टेड एक दूसरे से बाय फंक्शन एफ, इनके बीच जो रिलेशन बना है वो एफ रिलेशन है, रिलेशन है एफ का नाम, ठीक है। यहां पर एक ए एलिमेंट है, यहां पर एक एक्स वन एलिमेंट है, यहां पर एक एक्स टू एलिमेंट है, यहां पर एक एक्स थ्री एलिमेंट है, यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है। तो जो ये कह रहा है कि एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू एक्स, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन बनाने के लिए ऑलरेडी पढ़ाई फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए डोमेन का हर एलिमेंट, डोमेन का जो हर एलिमेंट है वो कनेक्ट होना चाहिए सबके साथ, मतलब ये इधर जो भी है, इधर जो भी एलिमेंट है वो सारे हमेशा कनेक्टेड होने चाहिए किसी ना किसी बाय एलिमेंट के साथ। इसमें दो एक्स दो वैल्यू से कोई एक वैल्यू कनेक्ट हो सकती है, यहां की कोई दो वैल्यू से कोई एक वैल्यू कनेक्टेड नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता एक्स वन एक्स टू ए कॉमा बी, कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि डोमेन का जो हर वैल्यू है, जो डोमेन की एक वैल्यू है वो हमेशा कोई भी वाई की एक वैल्यू दे सकता है, मतलब फंक्शन ऑफ ये जो होगा, ये जो होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा इससे कभी भी वन आंसर नहीं मिलेगा, वन आंसर कभी भी इसके मल्टीपल आंसर नहीं मिलते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी कोई मल्टीपल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब जो है एक्स वन जो है, एक्स वन जो है वो हमेशा किसी एक एलिमेंट वाई किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, एक्स टू किसी वाई के उसी सेम एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, ये इस फंक्शन के लिए मतलब फंक्शन इसमें लिमिटेड है, लिमिट इसकी लिमिट है कि कभी भी ये केस नहीं होता है, हमेशा ये केस पॉसिबल है। तो यही अब सवाल रहता है यहां पर, तो मान लीजिए एक फंक्शन फंक्शन है एफ नाम का फंक्शन है, मतलब फंक्शन की रिलेशन है, रिलेशन की फंक्शन है, तो एक्स कॉमा वाई एक्स डोमेन, इसको कहेंगे डोमेन, इसको अपन कहेंगे डोमेन, इस पूरे को हम कहेंगे कोडोमेन, इस पूरे को हम कहेंगे कोडोमेन, फिर कोडोमेन में सिर्फ इधर से डोमेन से सिर्फ दो एलिमेंट कनेक्टेड है, दिस इज दिस, तो जितने एलिमेंट इस फंक्शन एफ से, जितने एलिमेंट इस फंक्शन एफ से कनेक्टेड है वाई में, सिर्फ उस पोर्शन को कहेंगे रेंज, उतने ही पोषक तत्व क्या रहेंगे रेंज। तो हम कह सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन,
ये पार्ट ये याद करके आ जाती है, ब्रेन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये अपन कह सकते हैं हमेशा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने मास्टर जी की रेंज कौन सी होगी, रेंज उतनी ही होगी जितनी X1 जितनी डोमेन से कनेक्टेड है, जितनी डोमेन से कनेक्टेड है बाय फंक्शन f, मतलब f ऑफ x की जितनी वैल्यूज आएगी, f ऑफ x की जितनी वैल्यूज आएगी वो सही रेंज होगी। लेकिन जो डोमेन है, लेकिन जो कोडोमेन है उसमें बहुत सारे एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं जो कनेक्टेड ना हो इससे, तो कोडोमेन जो होता है वो सुपरसेट है और मेन जो है उसका सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम अगले लोग उसके बाद करते हैं, हम बात कर रहे हैं इंजेक्टिव फंक्शन की। इंजेक्टिव फंक्शन ये है x1 और x2 की वैल्यू, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू सेम है, तो हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं f ऑफ x1 के बराबर
कहूंगा कि ऑन टू फंक्शन है। तो मैं क्या कहूंगा, ये ऑन टू फंक्शन है। अगर रेंज के बराबर कोडोमिन हो जाए, रेंज अभी कोडोमिन में सिर्फ ए और बी ही है और रेंज में भी सिर्फ ए और बी ही है, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमिन हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसका हर डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड है वाई से, लेकिन वाई का हर एलिमेंट भी कनेक्टेड है एक्स सेक्स। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्या कहूंगा सर, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऑन टू नहीं होता, तो यहां पर एक एलिमेंट और प्रेजेंट होता और मैं इसको कह देता इन टू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू तो होगा ही होगा, वैसी वाली बात है। जैसे वन वन नहीं होगा तो नाइन वन तो होगा ही होगा, वैसे अगर ऑन टू नहीं होगा वो इन टू तो होगा ही होगा। ठीक है, ये समय फंक्शन होगा ही होगा, तो चार बार एक फंक्शन होगा जो अपन को स्टडी करना है। अब अपन बात कर रही है थोड़ा सा और, अभी मैंने क्या बात कर ली, सब्जेक्टिव बात कर ली, इंजेक्टिव बात कर ली, मैंने बात कर ली इनटू बात कर ली, अब हम बात कर लेंगे बायजेक्टिव फंक्शन। किसकी, बायजेक्टिव फंक्शन। अब बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बायजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू क्या चाहिए, वन वन होना चाहिए। पहले अपन ऑन वन वन की बात, वन वन का डायग्राम बना लेते हैं, वन वन ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये अपना है वन वन का। तो ये होगा आपका बायजेक्टिव फंक्शन। बायजेक्टिव फंक्शन में हर एक एलिमेंट एक्स का वाई से, वाई के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है और जो उसकी रेंज है वही से कोडोमेन के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि बायजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कंटेन्स बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये अपने आज टाइप का फंक्शन हो रहे हैं, और इसलिए अपन ने सब पढ़ लिया कि रेंज को डोमेन क्या होती है। अब ये इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन है एक्स वाई जेड, रेंज है इसमें ए बी सी एंड को डोमेन है इसका ए बी सी डी। इसमें बात करते हैं डोमेन क्या है, इसमें डोमेन क्या है, फंक्शन है आपका डोमेन है एक्स वाई जेड, रेंज है ए बी और को डोमेन भी है ए बी। को डोमेन पूरा वाला रेंज जो एक्स से कनेक्टेड है तो ए बी, तो कोडोमेन भी ए बी। इधर बात कर रहे हैं डोमेन है एक्स वाई जेड, कोडोमेन सॉरी रेंज है जिससे कनेक्टेड है ए बी सी ए बी सी, और जो उसकी कोडोमेन है जो पूरा है वो भी है ए बी सी। तो मैंने रेंज और कोडोमेन और डोमेन देख लिया।
क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ के देखते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है वो अपन देख लेते हैं, कुछ निकाल एग्जांपल्स समझ आ अच्छे से, तो उसके अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन बन गया, रेंज पॉलीनोमियल की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्वेश्चन आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x और जो ये फंक्शन है उसकी डोमेन, अब इसको देखिए पढ़ना सीख लीजिए एक बार। इसमें ये फंक्शन हमारा है जो रिलेशन है एफ इज रिलेशन, और रिलेशन क्या कहता है ये डोमेन है, दिस पार्ट इज डोमेन, दिस पार्ट इज डोमेन एंड दिस पार्ट इज को डोमेन। ध्यान रखिएगा को डोमेन है, रेंज नहीं है। क्या ये को डोमेन है? रेंज नहीं है। रेंज अपन निकालते हैं वेक्टर फंक्शन को, ये फंक्शन है एफ फंक्शन ये है, इसको देख के अपन क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। इस फंक्शन को एनालाइज करके हम रेंज निकालते हैं। जो हमको क्वेश्चन गिवन होता है वो होता है डोमेन एंड कोडोमेन। अब चेक करने को कहा है कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू है इन टू है, इसको चेक करना है। वन वन और ऑन टू चेक करना है, क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। अपन टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। टू एक्स का ग्राफ कितना होगा? एक्स एक्सिस पर, एक्स वाई एक्सिस पर टू एक्स का ग्राफ टू इन टू एक्स, तो ये ग्राफ से तुमको ऐसा मिलेगा, ये टू एक्स का ग्राफ मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस जो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ है, इसको चेक करते हैं कि ये वन वन है कि नहीं है, वन वन है कि नहीं है, तो वन वन चेक करने के लिए करना है लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू की टू वैल्यूज, तो उस पर एफ ऑफ एक्स वन निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स वन क्या होता है? टू एक्स वन पर एफ ऑफ एक्स को निकालते हैं टू एक्स टू, और हमको पता है वन वन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है। एज वी नो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू की कंडीशन होती है वन वन फंक्शन होने की, तो इसे चेक करते हैं। इसे चेक करा टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू टू एक्स टू टू एक्स टू, इससे ये करना एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और यही कंडीशन थी, यही इंप्लाय हुआ था कि एक्स वन की वैल्यू एक्स के बराबर होगी तो ही वन वन कंडीशन बनेगी, और इससे प्रूव भी हो गया कि दिस इज वन वन फंक्शन। अब एक और चीज देखनी है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। मेन पूरी थी रियल नंबर से लेकर पूरी रियल नंबर से, दिस आर इज अ सेट, रियल नंबर का सेट फ्रीडम करता है रियल नंबर। अपन बात करेंगे रियल नंबर के सेट को अपन आर से डिनोट करते हैं, तो ये आर उसने बोला कि जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर का पूरा सेट है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा सकती है, और वाई की वैल्यू मतलब रेंज जो जो डोमेन है वो भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी है, तो आप चेक करके बताइए सही है कि नहीं है। तो अब हमको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए करना पड़ेगा हमको, हमको देखना पड़ेगा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं है। अब मतलब अपन को इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, कोडोमेन इतना दे रखा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अपन को उसकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है। अपन चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं कि जो ग्राफ है एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की हर वैल्यू पर कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स
is equals to 2x दिया हुआ है, f of x equals to 2x दिया हुआ है, तो मैं f of x को लिखूंगा भी y, this is range, this is four हो गया, this is four हो गया, हमको range में निकालनी है, this is four हो गया, तो y is f of x को y लेना है, y is equals to 2x, और कह सकता हूं for every element x, तो मैं इसे कह सकता हूं कि हर एक एलिमेंट हर एक वाई के लिए माइनस वाई के लिए कहां कहां कहने दिए दिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो इससे इसकी हर एक एलिमेंट के लिए एक्स की y डिवाइडेड टू वाली वैल्यू एक्सिस्ट करती है, अपन कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट y/2 there exists an element x, तो समझ होता है कि जो रेंज है y की जो आंसर निकलेगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बनता है, और इस समय क्या करते हैं कि रेंज इक्वल टू 4 डोमेन, तो अपन कह पाएंगे कि ये कॉन्टूर फंक्शन सी है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं कि आप से समझ सकते हैं कि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू प्रेजेंट है, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी में जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी में जाएगा, तो कह सकते हैं कि एक्स की हर वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू मिल रही है, तो ये भी ऊपर भी चल जाए तो ये इंफिनिटी तक भी एक y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो 4 डोमेन के इक्वल है, और ये 1-1 फंक्शन तो है ही और 2 फंक्शन भी है, तो ये हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, तो f of x equals to 2x एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अब अगला क्वेश्चन भी एक बार है, ये क्वेश्चन आप पता चलेगा कि कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन पर गाइड हो जाएगा, उसमें बोला है f of x equals to x square, कुछ चेक करना है f of x equals to x square को चेक करना है कि 1-1 फंक्शन है और कॉन्टूर फंक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन है नॉट 1-1 है और ऑन्टू नहीं है, ये चेक करना है, तो ये कैसे चेक करेंगे, 1-1 चेक करने का बस एक तरीका है, सॉरी 1-1 नहीं है, ये नाइदर 1-1 नॉट ऑन्टू, ये चेक करना है, नाइदर 1-1 नॉट ऑन्टू, और इन्होंने रेंज भी अपन को नेचुरल नंबर्स वही बोलता है कि फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक में ना तो 1-1 है और ना ही 1-2 है, अभी चेक करते हैं अपन, तो इन्होंने कहा है कि कोडोमी जो है B0 जो कोडोमी है वो माइनस इंफिनिटी सॉरी नेचुरल नंबर आ रहा है एन फॉर नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और डोमेन में कहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, नेचुरल नंबर्स के लिए कहा है ना फॉर एन पैराबोला बना लिया, पैराबोला में एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, अब
अपन पहले सोचते हैं कि ये वन वन फंक्शन है, इट इज वन वन फंक्शन। अगर ये वन वन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये रही, इसको रखते हैं, हम लिखेंगे यहां पर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं कि जो स्क्वायर रखते हैं तो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब आगे लिखते हैं, मतलब एक्स वन की वैल्यू प्लस एक्स टू के सकती है, प्लस दो वैल्यू निकलती है, प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, और एक्स वन की वैल्यू निकलती है माइनस एक्स टू। तो इधर दो वैल्यू निकल रही है तो प्लस एक्स टू और माइनस एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू। अभी क्या है देखिए, दिस इज प्लस एक्स टू एंड दिस इज माइनस एक्स टू, ये वाई है, ये सॉरी ये वाई है और ये एक्स है। तो एक्स की दो वैल्यू पर माइनस एक्स टू और प्लस एक्स टू पर वाई की एक वैल्यू बनती है जो कि एक्स टू का स्क्वायर होगी, ठीक है। तो दो वैल्यूज पर, एक्स की दो वैल्यूज पर, एक्स की दो वैल्यूज पर अपन को ये मिल रहा है, मतलब एक्स की एक्स वन की दो वैल्यूज, एक्स की दो वैल्यूज पर अपन को वाई की एक वैल्यू मिल रही है। मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन तो नहीं है, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अब ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की क्या होता है, रेंज ऑफ कोडों में इक्वल होना चाहिए। तो वाई की जो रेंज है वो उन्होंने दी है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जो कोड वही के दिया हुआ है। अपन एक्स स्क्वायर की रेंज निकालते हैं, अपन इसमें क्या करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम इसकी रेंज निकालेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फंक्शन में देखने समझ में आता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वाई लेस देन जीरो पर भी एक्स, सॉरी एक्स लेस देन जीरो पर भी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एक्स की जीरो वैल्यू जीरो से छोटे होने पर भी, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटे होने पर भी वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ग्राफ से समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ग्राफ हमेशा अपवर्ड साइड में ही है, वाई की नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही। तो मैं कह सकता हूं कि वाई जो है, इसकी जो रेंज जो है वो होगी जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक। और इसकी कोडो भी क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो रेंज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो थे ऐसे करने से जिसमें आपको चेक करना था कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो इसके अब आपको एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 आपको ये पूरी करनी है, इसी पे बेस्ड है, इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, बस आपको ये सॉल्व करनी है और देखना है कि ऑन टू इन टू वन वन फंक्शन है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो क्वेश्चन अपन आप सारे कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन देखिए एक बार एक्सरसाइज 1.2 के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक यू सो मच।